हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हम लोगों के चैनल पे। और जो हम लोगों का टॉपिक चल रहा था इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का, वो आज हम सेकंड बुक फिजिक्स का जो सेकंड बुक है और जो बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है आज रे ऑप्टिक्स वे ऑप्टिक्स और जो नेक्स्ट चैप्टर है ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को आज डिस्कस करेंगे और कैसे टाइप्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम्स में वो हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियोज़ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो जो फर्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा रे ऑप्टिक्स, और जो रे ऑप्टिक्स है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके सीरीज़ का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो चैप्टर है रे ऑप्टिक्स ये अप्रॉक्स 7 to 8 मार्क्स का है। ठीक है, 7 to 8 मार्क्स का चैप्टर है। इसमें हम टॉपिक की बात करें तो जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट टॉपिक क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आप सब लोग जानते होंगे क्या होता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जब लाइट एक मीडियम से कहाँ चली जाए दूसरे मीडियम में, जब लाइट एक मीडियम से कहाँ चली जाए दूसरे मीडियम में चली जाए एक मीडियम से, तो उस फिनोमिना को लाइट की क्या बोला जाता है? रिफ्रैक्शन बोला जाता है। अब ये जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है इसमें अगर कुछ इंपॉर्टेंट मैं बताऊँ तो यहाँ से न्यूमेरिकल्स जो कैसे आते हैं, तो देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के जो लॉ हैं, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, उसमें एक चीज़ बोली गई हमको, बोला गया साइन आई जो है साइन आई बाय साइन आर वो क्या होता है? म्यू। और म्यू क्या है यहाँ पे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या इसी को क्या बोला जाता है? कांस्टेंट। तो ये सब बातें आपको पता होनी है, यहाँ से न्यूमेरिकल आएगा। एक मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, आप लोग पढ़िएगा इसको। देखिए साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू हम बोल सकते हैं म्यू टू बाय म्यू वन। म्यू टू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। और इसी फॉर्मूले को वेलोसिटी के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? वी वन बाय वी टू। और इसी फॉर्मूले को वेवलेंथ के फॉर्म में क्या लिखा जा सकता है? लेमडा वन बाय लेमडा टू। तो ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया यहाँ से न्यूमेरिकल आप देखना, गारंटेड आपको न्यूमेरिकल यहाँ से मिलेगा कुछ ना कुछ। ठीक है, अब जो सेकंड टॉपिक की बात करेंगे इसमें रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म। तो रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, ध्यान रखिए। तो रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म की बात करें अगर हम, तो यहाँ से क्या आ सकता है हमारा क्वेश्चन रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म के थ्रू? तो जो रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म है उसमें प्रिज्म क्या होता है और प्रिज्म फार्मूला को डिराइव करना। तो प्रिज्म फार्मूले को आपको डिराइव करना है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और न्यूमेरिकल तो पूछा ही जाएगा। तो प्रिज्म जो होता है उसके लिए क्या होता है, देखिए लाइट ऐसे जाती है, इंसिडेंट होती है, यहाँ पर नॉर्मल बनाते हैं, लाइट ऐसे इंसिडेंट होती है, यहाँ पर नॉर्मल बनाए तो यहाँ पर क्या मिलता है हमको? डेविएशन एंगल मिलता है। और ये क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म है ना, ये इंसिडेंट एंगल आई। इसको मैं आप लोगों को एक डेरिवेशन इसका आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना है प्रिज्म फार्मूला। तो प्रिज्म फार्मूला क्या होता है? साइन डेविएशन मिनिमम प्लस ए बाय टू डिवाइडेड बाय साइन ए बाय टू, ये है प्रिज्म फार्मूला। और इससे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आपके आते हैं। और एक फार्मूला और है डेविएशन का, वो क्या है? आई प्लस ई माइनस ए। तो ये जो दो फार्मूले हैं यहाँ से 100% आपको क्या मिलते हैं? न्यूमेरिकल्स मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये जो टॉपिक है ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? लाइट जब क्या हो रिफ्लेक्शन के थ्रू रिफ्लेक्शन हो जाए, मतलब ये एक ऐसी फिनोमिना है जिसमें हम दो टाइप्स के क्या कर सकते हैं फिनोमिनाज एक में ही ऐड होता है, और इसकी कुछ कंडीशंस हैं। तो कंडीशन आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। फर्स्ट कंडीशन क्या है इसकी? फर्स्ट कंडीशन जो है इसकी वो क्या है कि लाइट डेंसर से रेयर में जानी चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है कि इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। तो कंडीशन आपको दो मार्क्स का पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है इसके एप्लीकेशन। तो इसके एप्लीकेशन क्या है ध्यान से समझिए, तीन एप्लीकेशन है इसके। एक एप्लीकेशन है मिराजेस, एक एप्लीकेशन है डायमंड, और तीसरा जो एप्लीकेशन है वो है ऑप्टिकल फाइबर। तो जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो ऑप्टिकल फाइबर और डायमंड है। तो डायमंड क्या होता है? डायमंड देखो ब्राइटनेस उसकी हमेशा बनी रहती है, और ब्राइटनेस क्यों बनी रहती है? क्योंकि उसमें लाइट एंटर होती है, तो लाइट उसमें टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहता है ना। ऑप्टिकल फाइबर की बात करें तो ऑप्टिकल फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जरूर जाइएगा। और ऑप्टिकल फाइबर जो है वो किस काम में आता है? कम्युनिकेशन सिस्टम में काम आता है, जिसमें आप सिग्नल जब ट्रांसफ़र करोगे तो सिग्नल विदाउट एनर्जी के लॉस हुए सिग्नल ट्रांसफ़र हो जाते हैं। लास्ट जो टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ ए स्फेरिकल सरफेस। तो ये जो टॉपिक है ध्यान रखिए, इसका ये टॉपिक डेरिवेशन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा चांस है। तो इस टॉपिक का जो मैंने डेरिवेशन आपको कराया है, बहुत अच्छे से आपको डेरिवेशन इसको बताया है, मैंने वीडियो बनाया है,
और अगर आपको इसको देखना है तो आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा इस वीडियो के, और आपको ये टॉपिक ज़रूर मिलेगा, वहाँ से आप पढ़िए इसको, आपको समझ में आ जाएगा और न्यूमेरिकल भी आप इससे कर सकते हैं। क्लियर है? अब जो नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर हमारा वेव ऑप्टिक्स, ये भी है 7 to 8 मार्क्स का, और 7 to 8 मार्क्स में इसमें देखिए क्या है, वेव फ्रंट। सबसे पहली बात कि लाइट क्या होती है, वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है, और लाइट कितने टाइप्स का, तो जो वेव की फॉर्म में लाइट ट्रेवल करती है उसको वेव फ्रंट बोलते हैं। कितने टाइप्स का वेव फ्रंट होता है, तो 3 टाइप्स का वेव फ्रंट होता है। एक स्फेरिकल वेव फ्रंट होता है जो पॉइंट सोर्स से मिलता है, एक सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट होता है जो लीनियर सोर्स से मिलता है, और अगर सोर्स इनफाइनाइट पे है तो कैसा मिलता है आपको, प्लेन वेव फ्रंट मिलता है, ये सब ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो बात है, नेक्स्ट जो पॉइंट है क्या है, कोहेरेंट और इनकोहेरेंट सोर्सेज। कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं, दो सोर्स को कोहेरेंट कब बोल सकते हैं, ध्यान रखना बहुत पूछा जाता है ये, दो सोर्स को कोहेरेंट कब बोल सकते हैं, जब दोनों सोर्स की फ्रीक्वेंसीज क्या हो, सेम, और फेज डिफरेंस कितना हो, फेज डिफरेंस, ये दो बातें लिख दो आपका आंसर हो जाएगा। फेज डिफरेंस कितना हो, या तो जीरो हो, या फेज डिफरेंस क्या हो, कॉन्स्टेंट हो, क्या हो, कॉन्स्टेंट ना। तो अगर दो सोर्स का फेज डिफरेंस जीरो आ रहा है और फेज डिफरेंस कॉन्स्टेंट है और दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, तो आप क्या बोल सकते हो कि सोर्सेज कैसे हैं, कोहेरेंट। और इसमें से अगर कोई नहीं मिल रहा, मैच नहीं कर रहा, तो वो क्या है, इनकोहेरेंट सोर्सेज। नेक्स्ट जो टॉपिक है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसका भी बहुत अच्छा डेरिवेशन मैंने आपको बना के दिया है, वीडियो बना के दिया है, आप जरूर से जरूर देखिएगा उस वीडियो को, बहुत 100% चांस है इस टॉपिक से आने का ना। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और इस वीडियो को जरूर देखिए, वहाँ पे हमने फ्रिंज विड्थ निकालना सीखा है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम फ्रिंज विड्थ कैसे निकालते हैं, तो पूरा का पूरा डेरिवेशन है, और आप, मैं कुछ क्वेश्चन भी उसके करने की ट्राई करूंगा यहाँ से ना। लास्ट जो है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कब होता है, जब सोर्स कैसे हो, कोहेरेंट हो, और जब लाइट का इंटरफेरेंस होता है तो लाइट का क्या होता है, ये अब सब उस डेरिवेशन में है, लाइट के वेवलेंथ क्या हो जाते हैं, एड, और इंटेंसिटी भी क्या हो जाती है, एड। तो इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला आता है, आई जो होता है इंटेंसिटी, वो क्या होता है, √i1 + √i2 + 2√i1 i2 cos φ। और यहाँ से एक फॉर्मूला डेवलप होता है मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का, यहाँ से न्यूमेरिकल पूछा जाता है कि मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, तो √i1 + √i2 इसका होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय √i1 - √i2 का होल स्क्वायर, और एम्पलीट्यूड की फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको, a1 + a2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a1 - a2 का होल स्क्वायर। तो ये जो टॉपिक है, यहाँ से बहुत 100% चांसेस है न्यूमेरिकल आने का, इंटेंसिटी मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटीज़ का रेशियो पूछता है, ठीक है, समझ गए आप सब लोग। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, नेक्स्ट चैप्टर की, तो ये है ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ये जो चैप्टर है आपका 4 to 5 मार्क्स का है, 4 मार्क्स मान के चलिए। यहाँ पे देखिए, इस चैप्टर में बहुत ईजी चीज़ें हैं, क्या याद रखना है आपको, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसका एक ही टॉपिक है जो सबसे इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, और इसमें आपका क्या याद रखना है, आइंस्टाइन की इक्वेशन याद रखनी है, आइंस्टाइन की इक्वेशन से याद रखनी है। तो जो आइंस्टाइन थे, उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए इक्वेशन बनाया, और क्या बोला, आइंस्टाइन इक्वेशन क्या है, आइंस्टाइन की जो इक्वेशन थी वो क्या है, कि कोई भी पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होती है, h μ - μ0 ना, ये इक्वेशन आपको याद रखनी है ना। और ये क्या है, फ्रीक्वेंसी, क्या है, फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। और ये जो नॉट लगा होता है इसको क्या बोलते हैं, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्या बोलते हैं, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो प्लेट, मेटल प्लेट पे पड़े और वहाँ से क्या निकले, इलेक्ट्रॉन निकले, उस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये सब क्वेश्चन आपको करना है, यहाँ से न्यूमेरिकल आएगा। नेक्स्ट जो है क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हर्ट्ज एंड लेनार्ड ऑब्जर्वेशन। हर्ट्ज एंड लेनार्ड ऑब्जर्वेशन जो है उसमें क्या है, आपको किस बारे में बताया गया है, कि कैसे कैसे लाइट जो है वो क्या होती है, उसकी एनर्जी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, और लाइट के सोर्स के बारे में आपको बताया गया है ना। तो यहाँ पर ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है। लास्ट जो टॉपिक है आपका, लास्ट टॉपिक जो आपको यहाँ से पढ़ना है वो है डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट ना। इस टॉपिक को भी आप थोड़ा सा देख के जाइएगा, बट जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और आइंस्टाइन इक्वेशन ना। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में 2-3 ग्राफ हैं, किसके साथ, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी के लिए, इंटेंसिटी और आपका करंट के लिए, तो वो सब ग्राफ आप बना के जरूर जाइएगा। और ये जो आइंस्टाइन इक्वेशंस है, यहाँ पे आप क्या, ये वाले फॉर्मूले से न्यूमेरिकल आपका पूछा जाता है। क्लियर है? तो बहुत इंपॉर्टेंट ये सब चीज़ें हैं, आप याद रखिए। एक और फॉर्मूला है वर्क फंक्शन का, वर्क फंक्शन क्या होता है, h μ0 ना, ये फॉर्मूले से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना। और फ्रीक्वेंसी जो है उसको क्या लिख सकते हैं, c/λ0, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पढ़ के जाइएगा जरूर, और यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा। क्लियर है?
और मैंने जो बोला आपको इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे जो वीडियो बताए हैं वो सब मिल जाएंगे, उसको आप करिए। और बहुत जल्दी मैं इसके कुछ क्वेश्चंस भी आपको दूंगा, और आप लोगों से उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। जो कुछ भी क्वेरी है आप लोग भेजते रहिए, और प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करिए, क्योंकि आप लाइक और शेयर करेंगे वही हम लोगों का मोटिवेशन है। और कुछ भी आप प्रॉब्लम है तो ज़रूर आपको हम लोगों के साथ शेयर करिए, हम लोग आप लोगों के साथ बने हुए हैं। और ऐसा नहीं है एग्ज़ाम तक बने हैं, एग्ज़ाम के बाद भी हम लोग आपके साथ रहेंगे। आगे भी बहुत पढ़ना है हम लोगों को, नीट पढ़ना है, जेई पढ़ना है, वो सब कहानी हम करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू, बाय। और आप लोग ये ज़रूर पढ़िए उसको, और वहाँ कोई दिक्कत है होने से आप जो पूछिए वहाँ पर, ठीक है। थैंक यू।